शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दूध उत्पादकों को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है और मौजूदा स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार को तुरंत दूध उत्पादकों को प्रति लीटर 10 रुपए की सब्सिडी देनी चाहिए। हमें बल्कि पाउडर के निर्यात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मिल्क पाउडर को 50 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देनी चाहिए। हमें दूध उत्पादकों को राहत देने के लिए एमएनएस की मांगों को लेकर मांगे स्वीकार करना चाहिए और एमएनएस दूध उत्पादकों के खिलाफ अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मन से शेतकरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल वांदिले के नेतृत्व में नंदोरी चौक पर भव्य महाएल्गार आंदोलन का आयोजन किया गया। मनसे द्वारा दूध के भाव बढ़ाने हेतु और किसानों की अन्य मांगों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरी है। वर्तमान में महाराष्ट्र में किसान पहले से ही लगातार सूखे और बोगस बीज के कारण दोहरे बुवाई के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार की कोरोना और उदासीन नीति के कारण दूध का मूल्य के मुद्दों को कम करने के कारण डेयरी व्यवसाय भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सड़कों पर उतरने और दूध के लिए आंदोलन कर रही है। सरकारी मानदंडों के अनुसार गाय के दूध की कीमत 27.50 रुपए और भैंस के दूध की कीमत 34 रुपए होनी चाहिए। हालांकि निजी सरकारी समितियों और सरकारी दूध संघों ने पशु आहार की कीमतों में भारी वृद्धि और दूध का भुगतान न मिलने के कारण दूध की कीमत 10 से 15 रुपए कम कर दी। शादियों, सामाजिक आयोजनों, समारोह, होटल, मॉल, मीठे माल में मिठाई कोरोना के कारण बंद होने से दूध उत्पादकों को इस साल भारी नुकसान हुआ। मांग कम होने के कारण कीमतों में कटौती की। चीन, यूरोप और अफ्रीका को दूध पाउडर का निर्यात बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप देश में 1,00,000 टन दूध पाउडर और राज्य में 50,000 टन दूध पाउडर का अधिशेष है। इन सभी बातों के कारण दूध पाउडर की कीमत 330 रुपए से घटकर 180 रुपए हो गई है। इससे दूध की कीमत प्रभावित होने की संभावना है। दूध की मांग कम होने से दूध उत्पादकों को नुकसान नहीं होना चाहिए। वास्तव में दूध संघों द्वारा थैले वाला दूध और दूध के उत्पादकों में दूध बेचना गलत है, क्योंकि थैले वाले दूध और उप उत्पादकों की बिक्री मूल्य समान है। आज भी गाय के दूध 40 से 45 रुपए लीटर बिकता है, जबकि भैंस का दूध 58 रुपए प्रति लीटर तक जा रहा है। इसका मतलब है कि शहर में उपभोक्ताओं को दूध उत्पादकों की कीमत की तुलना में दूध की कीमत से दुगना अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि दूध की कीमत निर्माता से उपभोक्ताओं तक 20 से 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ रही है। सरकार को किसानों को जवाब देना चाहिए और किसानों को 10 रुपए प्रति लीटर अनुदान देकर उन्हें तत्काल न्याय दिलाना चाहिए। जिला अध्यक्ष किशोर चंभारे, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर वाढ़ई, मनसे जिला उपाध्यक्ष अमोल बोरकर और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सत्तेत असलेला तीन पक्षीय सरकार यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून जे शेतकऱ्यांवर जो अन्याय होऊन राहिलेला आहे, यांच्या दूध व्यवसायकांना, आमच्या दूध व्यवसायकांना 10 रुपये प्रति लिटर या सत्तेतल्या तीन पक्षीय सरकारने देण्यात यावं यासाठी म्हणून, तसंच दूध पावडर यांना 50 रुपये प्रति किलो यांना अनुदान देण्यात यावं यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत अनेक संख्येनं कास्तकार आणि किसान बांधव आणि जे दूध व्यवसाय आज आमच्यासोबत रस्त्यावर उतरण्यात आलेले आहे आणि सत्तेत असलेल्या सरकारचं आम्ही निषेध करत आहोत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं हिंगनगाड़ से इन बीसी न्यूज के लिए रवि एनोरकर की रिपोर्ट।